हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप चैप्टर 1, 2, 3 सब पढ़ चुके हो, ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर 4 पे। तो आपका चैप्टर 4 क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। चैप्टर 4 में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डिवीजन भी पढ़ चुके हो, ठीक है। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड नंबर्स, बड़े बड़े नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? सो मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन। व्हाट? रिपीटेड एडिशन। सपोज हम जैसे लिख देते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन, क्लियर। सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, क्लियर। तो 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10, 10 + 2 = 12, है ना। 2 को मैंने यहाँ पे कितने टाइम्स लिखा कि हमारा आंसर क्या हुआ 12? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेम नंबर को मैंने कितने टाइम्स लिखा? 6 टाइम्स। तो हम क्या लिखे? 6 टाइम्स, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है उतनी बार, ठीक है, उतने टाइम्स। 2 6 = 12, तो यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, इक्वल हुआ। एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बीच में क्या लगा है? एडिशन। इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? रिपीटेड एडिशन। हमने एक नंबर को रिपीट किया, जितने टाइम्स रिपीट किया उसको लिखा, बीच में टाइम्स का साइन बनाया, ठीक, मल्टीप्लाई, और दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया। यहाँ पे हम 2 को और 6 को कहते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। जो आंसर होता है मल्टीप्लिकेशन का उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, क्लियर। द आंसर इन मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और जिस 2 नंबर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको कहते हैं फैक्टर्स, क्लियर। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन, यह आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक। हम आते हैं डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे। तो मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टीज होती है। कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? 5 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी भी नंबर को, एनी नंबर कैन बी मल्टीप्लाई बाय 0, द प्रोडक्ट विल बी 0, ठीक। किसी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? 0। सपोज हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 27 × 0, क्लियर। 27 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर यानी प्रोडक्ट हमें क्या मिला? 0। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। कोई भी नंबर अगर हम 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 123, हाँ, तो भी क्या निकला? प्रोडक्ट 0, क्लियर। ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 1, द प्रोडक्ट विल बी द नंबर इटसेल्फ, क्लियर। जैसे अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? वो नंबर इटसेल्फ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं 12 × 1 = 12, है ना। 12 को 1, इफ एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1, द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ, है ना, वही नंबर हुआ। सपोज 118 × 1 = 118, 1 × 2864 = 2864, यानी हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर वो क्या होता है? नंबर इटसेल्फ, क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम किसी नंबर, 2 नंबर्स को, 2 फैक्टर्स को, सपोज है हम 15 इंटू
ठीक है, या 4 × 15। ऑर्डर प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, है? किसी भी टू फैक्टर्स को चाहे आप इस साइड लिखो, चाहे आप इसको पहले लिखो, चाहे आप इसको पहले लिखो। जैसे मैंने यहाँ लिखा 15 × 4, ये टू फैक्टर हुआ, 1 2 फैक्टर है। तो फर्स्ट फैक्टर ये है, इसमें सेकंड फैक्टर ये है, मल्टीप्लाई करिए क्या आंसर आएगा, 60, है ना। अगर हम 4 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहला फर्स्ट फैक्टर यहाँ 4 हो गया, यहाँ सेकंड फैक्टर 15 है, तो 4 × 5 = 22 कैरी, 4 × 1 = 4 + 2 = 6। तो ऑर्डर चेंज करने पर ये क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी जिसको हम और क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ऑर्डर प्रॉपर्टी आप फोर्थ में पढ़ चुके हो, तो ऑर्डर प्रॉपर्टी यही है आपकी, किसी भी नंबर चाहे वो फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर को एक बार सम सॉरी प्रोडक्ट किया, निकाला, तो जो आंसर आया सेकंड टाइम हम क्या करें, उस जो फर्स्ट फैक्टर था उसको हम सेकंड फैक्टर पे भी रखें और सेकंड फैक्टर को फर्स्ट फैक्टर पे रखें, तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, इसे हम कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी, ठीक, जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी आपने देखी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी है, सब तो इजी प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में आपका क्या होता है, सपोज नंबर है 4 × 5 × 7, ठीक, इक्वल टू, सेम नंबर लेते हैं 4 × 5 × 7। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में हमें ग्रुपिंग करके यानी ग्रुप बना के हमें आंसर सॉल्व करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 फैक्टर्स आप देख रहे हो, यहाँ भी 3 फैक्टर्स है, यहाँ पे मैंने 4 और 5 की ग्रुपिंग कर ली, यहाँ मैंने 5 और 7 की ग्रुपिंग कर ली। क्लियर, यहाँ पे वही सेम 3 नंबर्स है, यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग, यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग। अब हम सॉल्व करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 मल्टीप्लाई बाय 7, कॉमन है 7 बाहर ले लिया, ठीक है, 20 × 7 इक्वल टू, साथ में इसको भी करते हैं, 4 × 7 = 35। क्लियर, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया ग्रुपिंग। अब हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें इसको, 7 × 0 = 0, 7 × 2 = 14 इक्वल टू 4 × 5 = 20, 2 कैरी, 4 × 3 = 12, 12 + 2 = 14 इक्वल हुआ दोनों, हुआ ना। तो अगर सेम फैक्टर से हमने किसी भी दो फैक्टर्स को क्या किया, ग्रुपिंग कर लिया, तो भी हमारे इसमें प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, या ये अनइक्वल नहीं होता है, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी इसी को कहते हैं, कोई भी 3 फैक्टर जब आपको दिया होगा, ऐसे ग्रुपिंग बनी होगी, इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। इसको हम और क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, इसी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लियर, ये हो गया आपका दो चीज। एक नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है, आप देख रहे हो ऑर्डर है, तो 2 फैक्टर था, इधर उधर किया, ऑर्डर चेंज किया, है ना, तो वो ऑर्डर प्रॉपर्टी हो गई। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है, कोई 3 फैक्टर्स है, उनकी 2-2 करके ग्रुप बना लिया, उसको सॉल्व कर दिया, इक्वल है, वो आपकी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांट देना, है ना, अलग अलग बांट देना।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम लेते हैं एक नंबर कॉमन, फिर लेते हैं 5 प्लस 9। ठीक, ये होती है हमारा एक क्वेश्चन जिसमें से हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करनी है। तो इसको फॉलो करने के लिए आप देख रहे हो 5 प्लस 9 एक ब्रैकेट में, इन द सेंस ये ग्रुप में है, है ना, और 2 ये बाहर है, तो इन द सेंस ये अकेला है, है ना। तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, इसको हम बोलेंगे क्या, कॉमन फैक्टर। ठीक, इसको बोलेंगे अभी के लिए कॉमन। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जो ग्रुप में है इसको हम अलग अलग बांट लेते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, अलग अलग बांट ले रहे हैं। अलग अलग बांटेंगे तो 2 को पहले हम मल्टीप्लाई का साइन लगाए, 2 को पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, फिर बीच में कौन सा साइन है, प्लस, फिर हम इस कॉमन फैक्टर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। करेंगे कैसे, 2 इंटू 5, क्लियर, प्लस ये वाला 2 इंटू 9, क्लियर। इसी को मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 5 10 प्लस 2 9 18, 8 प्लस 0 8, 1 प्लस 1 2, 28। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 5 प्लस 9 इक्वल्स टू 14, 14 2 28 इक्वल आ रहा है। इट मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, करेक्ट है, क्लियर। यही होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, कोई भी आप वैल्यू लेके दोनों को ग्रुपिंग कर लीजिए, एक वैल्यू आपकी सेपरेट हो गई उसको कॉमन ले लीजिए, उसके बाद 2 को पहले मैंने फर्स्ट नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया, दोनों को सॉल्व, क्लियर। इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक और हम एग्जाम्पल देते हैं। सपोज है 15 मल्टीप्लाई बाय 26 प्लस 32, क्लियर। 15 को हमें इसमें सेपरेट करना, तो हम क्या करेंगे, पहले 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, बीच में प्लस का साइन, फिर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से। तो करिए 15 मल्टीप्लाई बाय 26 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 32, ठीक है। 15 का टेबल मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप लोग कॉमन लिए, आप लोग को लर्न रहता है। तो 15 6 90 0, कैरी लेंगे 9, यहीं पे ले लो कैरी 9, 15 2 30 30 प्लस 9 39, क्लियर हो गया 390, प्लस 15 2 30 3 कैरी, 15 3 45 46 47 48 हो गया, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 8 7, 17 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 4 प्लस 4 870। इसको प्लस कर लीजिए, 15 इंटू 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 2 5, 15 8 120, 12 कैरी, 15 5 75 75 प्लस 12 7 8 87, क्या हो गया 870। ये नंबर और ये नंबर इक्वल है, यस। इट मींस क्या है हमारा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, क्लियर। सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन बाय 100, 10 एंड 1000 या 10, 100 एंड 1000। मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100, 1000। पहले हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय 10, क्लियर। मल्टीप्लीकेशन बाय 10 में सपोज आपको एक क्वेश्चन है, 26 को मल्टीप्लाई करना है 10 से,
क्लियर। 26 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम ऐसे करके लिखते थे ना, ये हमें नहीं करना है, ठीक। हम डायरेक्ट करें 26 वन जा 26 लिख दिया, जो नंबर यहाँ लिखा है उसको एज इट इज लिख दिया। जीरोस कितने हैं, 10 है यहाँ पे, तो 10 हमें राइट साइड में लगा देना, क्लियर। जैसे 187 मल्टीप्लाइड बाय 10, अगर यहाँ 1 है तो ये नंबर 10 सेम नंबर, और 10 है तो 10 राइट हैंड साइड बढ़ाना है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं बढ़ाना है, ठीक है। राइट हैंड साइड बढ़ा दिया, हो गया 1870। अगर यहाँ पे कोई अलग नंबर होता है जैसे 256 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो हमें क्या करना है, पहले 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो आंसर आता है प्रोडक्ट उसको लिखना है, देन 10 आगे बढ़ा देना है। तो 3 6 18 वन कैरी, 3 5 15 वन, 16 वन कैरी, 3 2 6 + 1 7 और 10, क्लियर। ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10। अगर यही हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना है तो सेम प्रोसेस है, 59 × 100 इक्वल टू 59 वन जा 59, जीरोस कितने हैं, 2 0s, तो 2 0s बढ़ा देना है। जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे यहाँ, 10 के लिए 10, 100 के लिए 20, 1000 के लिए 30, हमें इसको फर्स्ट नंबर से सॉल्व करके 30s है तो 30s बढ़ा देना है, 20s है तो 20s, कहाँ पे, राइट हैंड साइड, क्लियर। जैसे यहाँ पे है 1000 है ना, और क्वेश्चन है 129 × 1000, क्लियर, या 11029, तो 1129 × 1 तो क्या हो जाएगा, 1129, और कितने नंबर ऑफ जीरोस है, 3, तो यहाँ पे आके 1 2 3 0s, क्लियर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 है तो 1 0 बढ़ा देना है, 100 है तो 2 0s बढ़ा देना है, 1000 है तो 3 0s बढ़ा देना है, राइट हैंड से, क्लियर।